हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हमने मिनी समोसा बनाया है। ये देखिए इस तरह से आप बनाएंगे, बहुत ही अच्छा ये बनता है। नाश्ते के लिए हमने बनाया है आलू का। आप किसी वक्त इसे बना करके आए आप खा सकते हो, टिफिन या ब्रेकफास्ट में भी आप ले जा सकते हो। बहुत जल्दी ये बन भी जाता है बिना झंझट का। और इसके आगे कचौड़ी समोसा भी फेल है। इसके साथ में हमने देखिए चटनी भी ले ली है और दही भी। चलिए आपको बताते हैं किस तरह बनाया जाता है मिनी समोसा। बने रहिए पूजा ब्लॉग्स में। जिसके लिए हमने 2 कटोरी इसमें आटा ले लिए हैं और 1 कटोरी मैदा हम ले लेंगे। इसमें इनका हम डो बना लेंगे। ये देखिए इसमें स्वाद के हिसाब से हम नमक डाल देंगे इस तरह से, और थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे इसमें क्रश करके इस तरह से, और थोड़ा सा हम इसमें मोयम डाल देंगे ताकि अच्छा इसमें खस्ता जैसा बने हमारा। ये देखिए इस तरह हमने 1/2 कटोरी जितना मोयम डाला है इसमें। ये देखिए इस तरह सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह अच्छे से इन सबको मिला लेंगे। ये देखिए अच्छे से ये हो गया है। ये देखिए अच्छे से बन रहा है। अब इसका हम डो तैयार कर लेते हैं। जैसे हम पूड़ी का डो बनाते हैं बस वैसा ही हमें इसका डो लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारा डो लग गया अच्छे से। ये देखिए ये हो गया हमारा डो तैयार। अब इसे 10 मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं और स्टफिंग तैयार कर लेते हैं इसके लिए। देखिए हमने आलू ले लिए हैं। आलू में हम स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डाल देंगे इस तरह से। इसी में सब्जी डाल देंगे हम इसी वक्त। हल्दी डाल देंगे थोड़ा सा हम इसमें, लाल मिर्चा पाउडर डाल देंगे इसमें, थोड़ा धनिया पाउडर डाल देते हैं। देखिए इसमें हमने धनिया पत्ती और लहसुन मिर्चा का पेस्ट बना लिया था, इसको डाल देते हैं। इससे अच्छा टेस्ट और स्वाद दोनों आते हैं। और इसमें रेड चिली सॉस डाल देते हैं। देखिए हमने सभी चीज़ों को इसमें डाल दिए। इनको हम अच्छे से मैश कर लेते हैं इस तरह से। देखिए अच्छे से हमने इसे मैश भी कर लिए हैं। देखिए हमारा हो गया ये अच्छे से मिक्स हो गए अच्छे से। देखिए इसमें अमचूर पाउडर डाल देते हैं और हींग। देखिए इस तरह डाल देते हैं इसमें अमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच हींग। इनको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिलाते हुए। ये देखिए हम रोटी के जैसा ही इसे दो निकाल लेते हैं। देखिए थोड़ा इस तरह से, थोड़ा मोटा ही रखिएगा, पतला नहीं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए रोटी जैसा इसे हम बेल लेते हैं अच्छे से। ये देखिए इसी तरह हम दूसरा भी रोटी बना लेते हैं। और देखिए इतना ही हमें मोटा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना है इसे। इसी तरह दूसरा बना लेते हैं। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं स्टफिंग। देखिए इस तरह से अच्छे से फैला देंगे पूरा। ये देखिए इसके ऊपर हम इस तरह से कवर कर देंगे इसे अच्छे से। देखिए इस तरह से खींच करके इसे इस तरह से कवर कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए हो गया हमारा। अब इसे हम थोड़ा सा हल्का से इस तरह से प्रेस दे देंगे, इस तरह थपथपा देंगे जिससे अच्छे से सेट हो जाए। अब इसे हम कट करेंगे इस तरह से। ये बहुत अच्छे से बन भी जाता है और अच्छा लगता है खाने में भी, और जल्दी से भी बन जाता है। देखिए इस तरह इसे घुमा लेते हैं। देखिए हो गया। देखिए इस तरह से उठा लेंगे हम परत और फिर इस तरह से इधर ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरह ज्वाइंट करेंगे, फिर इधर से हम ज्वाइंट करेंगे इन दोनों भाग को। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। ये देखिए एक तरह से ये फूल जैसा ही बन गया है और खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। इसी तरह हम सभी को बना लेते हैं। हमारा तैयार हो गया। चलिए इनको हम तेल में फ्राई कर लेते हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसका डिजाइन भी अच्छा लग रहा है देखने में भी। ये देखिए चलिए इन्हें हम तेल में फ्राई कर लेते हैं। देखिए हो गया गर्म हमारा तेल, और एक एक करके हम इसमें डाल देंगे इन सबको। ये देखिए और जितना इसमें आए उतना ही डालिएगा, एक्स्ट्रा नहीं। ये देखिए इस तरह से डाल के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए नीचे से। ये देखिए एक तरफ ये हो गया। इस तरह से चलाते हुए अच्छे से हम इसे ब्राउन कलर आने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हो गया। इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए आपको पास से दिखा रहे कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये। ये देखिए सबको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए
इसी तरह सभी को बना लेंगे। कर डालते जाएंगे एक एक वापस। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, जिससे हम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये देखिए इसी तरह हम सभी को बना लेते हैं। तो हम फ्राई कर लेते हैं इस तरह से चलाते हुए। तो हमारा सब हो गया है, इन सबको निकाल लेते हैं हम। ये देखिए हमारा नाश्ता हो गया है तैयार। ये देखिए कितना अच्छा ये बना हुआ है। इस तरह से आप भी बनाएंगे आपको बहुत अच्छा बनेगा ये। इसके साथ में हमने तीखी चटनी ले ली है धनिया पत्ती और मिर्ची की, और यहाँ पे देखिए हमने ले लिए हैं दही। इसका हम आपको आवाज़ सुनाते हैं कितना ये क्रिस्पी बना हुआ है। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और उतना ही अच्छा ये बना हुआ है। किसी वक्त इसे बना करके आप खाइए, आपको पसंद आएगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।